हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्राशर केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें से कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। केमिस्ट्री के चैप्टर से सिलेक्टेड टॉपिक्स इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। स्टूडेंट्स, कॉपी पेन साथ लेकर बैठें और ये सारे के सारे टॉपिक्स आप नोट करते जाएँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मीन्स आपको हार्ड वर्क तो करना है बट स्मार्ट तरीके से। मीन्स आपको वो टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं जिनमें एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपका केमिस्ट्री का पेपर 70 मार्क्स का आएगा, जिसमें 24 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 46 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव में आपके 12 MCQs आएंगे, 4 रीजंस assertion क्वेश्चंस आएंगे और इसके अलावा 8 मार्क्स में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। केस स्टडी मीन्स आपको पैसेज दे दिया जाएगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने होंगे। स्टूडेंट्स, केस स्टडी क्वेश्चंस आप जब भी हैंडल कर सकते हो, जब भी सॉल्व कर सकते हो, जब आपने NCERT अच्छे से पढ़ रखी हो। बाकी पेपर आता है सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन से। इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, हेनरीज लॉ, राउंड्स लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं और इन चैप्टर से MCQs भी आते हैं। सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें आपको नस इक्वेशन, कंडक्शन एंड कॉलरॉड लॉ करना है, फैराडे लॉ करना है। इसमें आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिएक्शन ऑफ कोरोजन, फ्यूल सेल्स एंड बैटरीज, ये टॉपिक्स आपको करने हैं। थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से ग्राफ्स भी आते हैं। इसके अलावा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स, आरिनियस इक्वेशन एंड मॉलिकुलरिटी, न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ चैप्टर DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी पूछा जाता है। फिफ्थ चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं थ्योरी। थ्योरी में आपका पूछा जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वर्नस थ्योरी, ये सभी थ्योरीज आपको अच्छे से करनी है। IUPAC पूछा जाता है, आइसोमेरिज ज़रूर पूछा जाता है। IUPAC एंड आइसोमेरिज 100% आएगा। सिक्स्थ चैप्टर है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसमें आपका नॉमनक्लेचर पूछा जाता है, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस पूछी जाती हैं। साथ ही नीम रिएक्शंस भी आपको अच्छे से करनी है। नीम रिएक्शंस पे क्वेश्चन आता ही आता है, आपको सारी नीम रिएक्शंस अच्छे से याद होनी चाहिए। स्टूडेंट, नेमिंग रिएक्शन पे भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, जिसे कि आप नेमिंग रिएक्शंस की शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे उसमें और आप इजीली आप नेमिंग रिएक्शंस याद कर सकेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको सेजिफ रूल्स करना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर। इसमें आपको करना है कैनिजारो एल्डोल कंडेंसेशन और नेम रिएक्शंस तो ज़रूर करनी है। और इसके साथ जो इसी का ही मिलता जुलता चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं। इसमें आपका रिडक्शन पूछा जाता है, स्टीफन्स रिडक्शन, वॉल्स क्रिश्ना रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ये सब पूछा जाता है। इसमें आपका एसिड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी करना है। इस चैप्टर से कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन आप जब भी कर सकते हो जब आपको नेम रिएक्शंस अच्छे से आती हो। नेक्स्ट चैप्टर में आपका मैकेनिज्म आएगा। मैकेनिज्म में आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू ईथर, ये सब पूछा जाता है। स्टूडेंट, नेमिंग रिएक्शंस आपको सारी की सारी ही करनी है। नेक्स्ट चैप्टर है एमाइंस। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट भी करना है आपको, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन और कार्बोनियमाइन भी करना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स। इसमें आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज ज़रूर करना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन करना है और DNA एंड RNA ज़रूर करना है। ये सारे ही टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं, इसमें से कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए
मैंडेटरी है। स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपने ध्यान से वॉच किया होगा और सबके सब टॉपिक्स आपने अच्छे से नोट भी कर लिए होंगे। स्टूडेंट ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम स्टडीज़ के लिए सपोर्टिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी सपोर्टिव एग्जाम बोर्ड एग्ज़ाम साबित हो और उनकी भी बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर लें। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें।